Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय सर, वेलकम टू आईडब्ल्यू एम बस। तो सोचा था कि इतना जल्दी आउट हो जाओगे। 5-10 दिन इधर उधर आउट हुआ है मैं। डेढ़ महीना तक सोचा, एक सवा महीना। तो क्या चीज कमी रहेगी कि जो आप बहुत चीजें कमियां होंगी पता नहीं। आपको क्या लगता है आपकी तरफ से क्या कमी रह गई? आई थिंक कनेक्शंस में कमी रह गई, रिलेशनशिप्स में कमी रह गई। वन साइडेड में था, पावर बैलेंस में देख नहीं पाया था और मुझे देखना भी नहीं था। मैं तो अपने दम से था जैसा था, उसमें मुझे नहीं पड़ी थी किसका क्या हो रहा है। बाहर तो बाहर, अंदर तो अंदर। जब टास्क की बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको संचालक के रूप में रख दिया जाता था, आपको खेलने का मौका कम दिया गया था। एक बार मैं संचालक था खाली, ओनली वंस, वो जो उस पहला वाला टास्क, उसके बाद तो मैं खेला। पर उसमें भी बोला गया था कि आपने फेयर जस्टिस नहीं दिया है ग्रुप्स में। हाँ, वो तो इस बार भी बोला उसको, सरदार शुक्ला को। वो तो जहाँ भी होता है वो चिल्लाते हैं कि भाई फेयर नहीं है, फेयर नहीं है। तो आपको क्या लगता है आपने जस्टिस दिया था वो टास्क में? टोटल जस्टिस दिया था। ओके, जब बात किया जाए लास्ट टास्क की, जो आपने परफॉर्म किया था जहाँ पे आपने और आसिम एक साथ थे, उसमें आपने स्ट्रॉन्गली प्ले किया था जहाँ पे आसिम को बहुत सारी मिर्चा डाली गई थी, लेकिन इस बारे में सलमान ने कुछ अप्रिशिएट नहीं किया। मगर उसको बचा लिया ना, आसिम को पॉपुलैरिटी वोट दे दिया और उनको बचा लिया। मुझे निकालना था, मुझे निकाल दिया। ओके, जब बात किया जाए पारस और सेनाज और मायरा किंग, जो उनका लव स्टोरी, लव ट्रायंगल चल रहा है, वो कितना फेयर लगता है कि ये स्क्रिप्टेड लगता है कि पारस के साइड से? हो सकता है पारस के साइड से स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि जैसा कि हम बाहर देख रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड कुछ और ही बोल रही है। तो आपको गर्लफ्रेंड क्या बोलती है? उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि ये पारस अब गेम के लिए खेल रहे हैं। हो सकता है। तो कौन सबसे अच्छा खेल रहा है आपके हिसाब से? सबसे अच्छा खेल रहा है शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, पारस। और कौन डबल गेम, डबल फेस है इसके? ये सब इस पे सिद्धार्थ शुक्ला डबल फेस नहीं है, आसिम डबल फेस नहीं है, पारस डबल फेस है, शहनाज डबल फेस। खाने को लेकर भी आए दिन झगड़ा था, जब आपने एक बार कुछ सजेस्ट कर दिया था उसको लेकर भी देवलीना और रश्मि भड़क गए थे, तो उसमें क्या बोलना चाहोगे? उसे मैं और आसिम एक्सरसाइज कर रहे थे, थक गए थे भाजी और दाल खा के, तो मैंने कहा तू थोड़ी करी बना सकता है? तो हाँ बना सकता हूँ। मैं तू करी बना, मैं दो अंडे उबाल के उसमें डाल देता हूँ, दोनों बैठ के खा लेंगे। आसिम ने जाके क्या बोला अंदर, क्या बोला, सब तैयार हो गए अंडे अंडे आलू खाने के लिए। अब अंडे बनना शुरू हुए तो पहले 15 अंडे तो वेस्ट किए, वो खराब हो गए, उसके बाद 24 अंडे डाले गए, वो उबल गए बाई चांस, और करी हमें मिल गई। हमने दबा के खा ली, करी खाई नहीं थी बहुत दिनों से, दाल खाते थे या चावल बाजी खाते थे। ओके, सिद्धार्थ दे आए दिन मतलब लड़कियों को उल्टा बोलते हुए नजर आते हैं, तो आपका क्या राय है उसमें? आपको नहीं लगता कि उन्हें आउट होना चाहिए था आपके जगह पे? आई थिंक जिसकी जिसके कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होते हैं ज्यादा, क्योंकि ऐसा जब दो कोड़ी लड़की, जब जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, इससे पहले भी एक कंटेस्टेंट ने बोला था मतलब लास्ट सीजन में, तो उनको बहुत सलमान ने चिल्लाया था, पर इस बार कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका क्या राय है उसमें? तो इस पर राय ये हो सकती है कि वो जिस कंटेक्स्ट में कहा गया और ये कंटेक्स्ट में कहा गया वो शायद अलग हो, या उनको ये बात अब कनेक्ट नहीं हुई होगी, और अगर कनेक्ट होगी तो उसकी निंदा ज़रूर करेंगे। सलमान खान एक फेयर इंसान है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की अननेसेसरी सपोर्ट करने की, उनके अब वक्त नहीं है सब चीज़ों का। बहुत मुश्किल से तो ये काम वो करते हैं जो कर रहे हैं। टिकट टू फिनाले जो टास्क था उसमें कौन डिजर्विंग था जीतने के लिए आपके हिसाब से लड़कियों में? टिकट टू फिनाले कोई वो जो वो डॉल्स बनाने का टास्क था ना, उसमें तो कोई वो गेम, वो तो कुछ डिफरेंट टाइप की गेम थी। वो आपको डॉल बनाना था, दो दो संचालक रखे गए थे, सिद्धार्थ शुक्ला और पारस। तो सिद्धार्थ शुक्ला और पारस को डिसाइड करना था किसका माल एक्सेप्टेड होगा, बट दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे का माल दर्ज है, तो फिर एक तीसरी बॉडी डालनी चाहिए थी। तो वो तीसरा मैंने आइडिया दिया था कि आप एक गेम खेल लो, जैसे आप अपने 10 डॉल लेके आए हो, तो आप इसके पास गए, बोले ठीक है आपके 10 डॉल चाहिए, वो डब्बा पड़ा है यहाँ से डब्बा में फेंको, जितने डॉल डब्बे में चले गए वो
एक्सेप्टेड, बाकी रिजेक्टेड, तो गेम मजेदार हो जाती, लोग देखते, दर्शक देखते, मजा आता, टेंशन बढ़ता, किसने किसकी कितनी डॉल चली गई, मगर वो सबको कैमरा में एक्सेप्ट करना, कहते हम ये रूल्स एक्सेप्ट करते हैं, तो गेम हो जाती। तो संचालक का काम था खाली वहाँ से कॉम्पिटिशन में लेके जाना, पहले ग्रॉल्स के कॉटन बनना, फिर कॉम्पिटिशन में लेके जाना, कॉम्पिटिशन वो गेम है, गेम में क्या रिजल्ट होगा देख लो। रश्मि और देवेंद्र आर्य इमोशनल होते हुए नजर आते रहते हैं, क्या लगता है आपको? वो उसने चिल्लाते हैं ना तो इमोशनल हो के पड़ते, वो उन्होंने अपना प्लान बनाया, वो उसे उसने बताया वो उनको अपने पारस से कि रोते रहो और चिल्लाते रहो, यही है। तो ठीक है, ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट करते हुए आए? आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, और मैं चाहूँगा कि अब इस दिवाली में आपके भरपूर आपकी कामनाएं पूरी हों, और आप बहुत 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 मज़े से दिवाली मनाएं, और हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, और गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर यू एंड योर फैमिली। वापस जाएंगे तो किस पे सबसे ज़्यादा टारगेट पे लेंगे? वो दो लड़कियों को तो बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने आपके, नहीं मेरे साथ किया ना किया, मगर निकालना चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू के दे आर यूजलेस इनसाइड, उनकी बैकलॉग अच्छा होगा टीवी का, अंदर तो यूजलेस है। ओके, थैंक यू सो मच।